नमस्कार। हर खबर हर जाड़ा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक पतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पेरिस में चल रहे ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया है। हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है, जिस पर पीएम मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई दी है। जब मनु भाकर से उनकी जीत के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे गीता का पाठ पढ़ती थी और जब खेल के दौरान वो दबाव में थी तो उन्हें गीता के ही श्लोक याद आए। तो ओलंपिक में भारत को देखिए पहला मेडल मिला है मनु भाकर के वजह से। ये जो है मेडल मिला है भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ओलंपिक भारत में जो है ये पहला मेडल देश के नाम हुआ है, जिसमें देश का वर्चस्व भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें मनु भाकर की दिखा रहे हैं, जहाँ उन्होंने जो है का पहला पदक जीता है भारत के लिए। हरियाणा की रहने वाली हैं, हरियाणा की बेटी हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनु भाकर को जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। ये तस्वीरें मनु भाकर की दिखा रहे हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और इसी के साथ साथ ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया है, जो कि देश के लिए एक बेहद ही गौरवपूर्ण की बात है। और आपको बता दें चले कि हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की बेटी ने एक बार फिर से आपको बता दें कि देश का नाम रोशन किया है। इसी के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनु भाकर को उनके जीत के लिए बधाई दी है और आगे के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस मौके पर कई मंत्रीगण मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की बेटी मनु भाकर की उपलब्धि पर बधाई दी। हरियाणा की बेटी ने देश का पहला मेडल दिलाया है, भारत के सम्मान को बढ़ाया है। ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी मेडलों की झड़ी लगाएंगे। सरकार का निर्णय है कि युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे, तो वही विपक्ष के लोग हर समय राजनीति ढूंढते हैं। कांग्रेस की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में सभी कार्य पूरे करने का काम किया है। मैं सबसे पहले तो हमारी हरियाणा की बेटी मनु भाकर जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत के सम्मान को, हरियाणा के सम्मान को, तिरंगे के सम्मान को ऊंचा किया है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और जो मेडलों की झड़ी है इस ओलंपिक गेम में, वो हरियाणा के हमारे सभी खिलाड़ी वो बड़ी संख्या के अंदर लेकर के आएंगे। मैं उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वही पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला बनी है और इसी के साथ फाइनल में 221.7 पॉइंट्स के साथ कांस्य जीता है। हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव की बेटी मनु भाकर ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे उनके पैतृक गाँव में जश्न का माहौल है। ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की, तो वहीं ग्रामीणों को अपनी बेटी पर खूब गर्व है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनकर ने भी मनु भाकर को जीत पर शुभकामनाएं दी और मनु भाकर ने देश की झोली में पहला पदक डाल दिया। अब देशवासियों को अन्य खिलाड़ियों से भी बेहद उम्मीदें हैं। धनकर ने उम्मीद जताई है कि अब देश की झोली पदकों से भरने जा रही है। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, पहला मेडल है और झज्जर जिले से, हमारे जिले से है मनु भाकर, हरियाणा से है, पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मनु को, सारे परिवार को और भारतवासियों को भी कि मनु ने जो है शूटिंग में जो है ये एयर शूटिंग में जो है मेडल जीता है। बार बार वो ऐसे गौरव के पल मनु के कारण से भारत को मिले हैं, लेकिन एक बड़ी टीम भारत की गई हुई है और हरियाणा की भी उसमें बड़ी हिस्सेदारी है।
वही हरियाणा की बेटी मनु भाकर के घर फरीदाबाद में परिजनों ने पदक जीतने पर खुशियां मनाई। परिवारजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया तो स्थानीय लोगों ने भी मेडल जीतने पर मनु भाकर और उनके परिजनों को बधाई दी है। मेरी सोसाइटी में सभी लोगों ने मिल करके हमारा एक छोटा सा थिएटर वहां पे मनु को लाइव देखा है, बट उन्होंने कहा कि आप आ रहे हैं कि मैं दो दिन से अपने फोन को उठा ही नहीं रही हूँ। मैंने अपना फोन रख रखा साइड में कि मुझे अभी दो दिन बिल्कुल चुप रहना, बात नहीं करनी है किसी से भी, और कोई बुरा ना माने इस चीज का, क्योंकि माँ हूँ मैं, मनु के साथ रही हूँ, तो मैं पल पल को हर एक पल मनु का मैं जानती हूँ कि मतलब कि मुझे उसके लिए क्या करना है। तो मैं, आप लोगों ने शायद कभी भी मनु के पीछे बैठे मुझे देखा नहीं है, जब भी मनु के मैच होते हैं तो मैं या तो मोबाइल में या मैं अपनी नोटबुक में कुछ न कुछ लिखने लग जाती हूँ, तो ये मेरा जरिया है मेरी हिम्मत बढ़ाने का, मेरे अंदर जितने भी विचार कुछ भी भाव आते हैं। मनु की जीत पे पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने शुभकामनाएं दी है और उनके रफ टाइम में भी वो साथ में थे। और स्पेशली मैं बात करूंगा NRE फेडरेशन का, OGPU का, जसपाल कोच का, इन सब ने इतना, और टॉप्स का इतना हर टाइम पे मदद किया, हर टाइम पे हमारी बातें मानी, और देशवासियों का विशेष तौर पे कि उन्होंने हमेशा मनु को बैक किया कि मनु। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रोहतक जिले के हथकरघा उद्योग का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की तारीफ की है। पीएम ने कहा कि रोहतक के 250 से अधिक महिलाएं उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर समृद्धि की ओर बढ़ी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की है। हरियाणा के रोहतक जिले की 250 से ज्यादा महिलाओं के जीवन में समृद्धि के रंग भर दिए हैं। हथकरघा उद्योग से जुड़ी ये महिलाएं पहले छोटी छोटी दुकानें और छोटे मोटे काम कर गुजारा करती थी, लेकिन हर किसी में आगे बढ़ने की इच्छा तो होती ही होती है, इसलिए इन्होंने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने का फैसला किया और इस ग्रुप से जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली ये महिलाएं आज लाखों रुपये कमा रही है। इनके बनाए बेड कवर, साड़ियां और दुपट्टों की बाजार में भारी मांग है। साथियों, रोहतक की इन महिलाओं की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कारीगर हैंडलूम को लोकप्रिय बनाने में जुटी है। तो देखिए, आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए रोहतक का जिक्र किया है। रोहतक पे बनी हथकरघा जो पेंटिंग है उसका भी जिक्र किया और इसी के साथ ही साथ तमाम बातों का भी जिक्र किया। रोहतक में जो महिलाएं हैं वो आज भी जो है अपने हाथों से तमाम वो कलाएं अपने प्रदर्शित करते हुए, एक तरह से कहें तो रोजगार के अवसर का भी जो है सृजित करते हुए नजर आती हैं, और ऐसे में इसकी वानगी भी देखने को जो है रोहतक में मिल रहा है, जिसका आपको बताते चले कि कल यानी
कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने रोहतक का जिक्र किया और रोहतक में उन तमाम महिलाओं का भी जिक्र किया जिन्होंने आज उन संस्कृति उन परंपराओं को जिंदा रखा हुआ है और इसी के साथ साथ इस पर जो है अग्रसर होने की दिशा में काम भी करते हुए नजर आती है और इसकी वानगी भी देखने को मिल रही है और इसके लिए लगातार रोजगार के जो अवसर है वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर रोहतक की उन तमाम महिलाओं का कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया जो कि अपने हाथों से आज भी वो जो है तमाम हथकरघा का काम करते हुए नजर आती हैं। तो वही डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव सबसे अधिक शांतिपूर्ण तरीके से करवाए गए, इसी तरह विधानसभा चुनाव को बेहतरीन तरीके से संपन्न करवाएंगे, कांवड़ यात्रा के लिए समुचित प्रबंध किए गए। ₹988 जवानों ने अपना प्रशिक्षण पूरा करके हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग की है और इससे हमारी जो कैपेसिटी है क्राइम कंट्रोल की और हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने की कैपेसिटी उसमें इजाफा होगा और ये जो बच्चे आज आपने देखा 988 नौजवानों ने आज ज्वाइन किया, इनमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे MSc हैं, MA हैं, BSc, BA, BCom, MTech, BTech, MBA और लॉ ग्रेजुएट्स भी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके हरियाणा पुलिस ज्वाइन करने से हमें बल। वही करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग करने वाले 988 सिपाहियों को साइबर क्राइम रोकने के खास प्रशिक्षण दिए गए। आपको बता दें कि उच्च शिक्षित युवाओं की पुलिस में शामिल होने को लेकर हरियाणा पुलिस सशक्त होगी। तो वही हरियाणा पुलिस और सिपाही के रैंक के 988 रैक रूट जवानों के लिए दिन बेहद खास रहा। प्रशिक्षण बहुत अच्छा रहा यार दोस्तों के साथ, बहुत बढ़िया मिलजुल के और यहाँ पे ट्रेनिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, सबको एक समान नज़रों से देखना और बिना सिफारिश वालों को भी काम करेंगे। BSc नॉन मेडिकल, ये लाइन क्यों चुनी आपने? ये मेरा ड्रीम जॉब था तो अच्छा लगता था। परिवार में और भी नौकरी में? नहीं, आर्मी में है, एयरफोर्स में, टीचिंग में, पुलिस में कोई नहीं है। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। परिवार के लोग बहुत खुश हैं। इन्होंने 9 महीने ट्रेनिंग की है और इनका इंडोर और आउटडोर दो एग्जाम होते हैं, इनमें ये पास हुए हैं और आज हमारे माननीय DGP साहब शत्रुजीत कपूर साहब चीफ गेस्ट थे और डायरेक्टर के जो हमारे हरियाणा पुलिस। सर जैसे पहले हम नॉर्मल थे, थोड़ा सा जैसे स्टूडेंट पढ़ाई स्टडी ज्यादा की थी और एकदम से डीसी। तो ये सावन का महीना चल रहा है, श्रद्धालु कांवड़ लेने के लिए नीलकंठ हरिद्वार गंगोत्री जा रहे हैं। देश भर में ऐसे लाखों श्रद्धालु हैं जो गंगोत्री हरिद्वार और नीलकंठ से गंगा जल लेकर शिवरात्रि पर शिव का जलाभिषेक करते हैं। जो सीनियर सिटीजन हैं या जो लोग हरिद्वार चल जाते हैं लेने के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की है गंगोत्री से। जो हमारे यहाँ पर गंगोत्री का शुद्ध गंगा जल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो भी पूजा अर्चना के लिए गंगा जल लेना चाहता है ऑनलाइन या हमारे काउंटर। और आज मुझे पता चला कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में गंगोत्री से गंगा जल आया हुआ है जो कि मुझे सावन के महीने में चाहिए था बट मैं जाने में असमर्थ थी, इस वजह से मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर जो है जल गंगोत्री से आया हुआ है तो मैं यही लेने के लिए स्पेशल आई हूँ और यहाँ आकर के बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे गंगा जल चाहिए था और मुझे तो वही अगली खबर की ओर रुख करते हैं जहां पर हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने वहां पर रुख किया, तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उन्होंने जो है आगे हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, प्रधान संत शिरोमणि गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज, श्री रोशनलाल महिला जी, जिला के माननीय अध्यक्ष सुशील राणा जी,
जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्मपाल चौधरी जी और हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी, पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन प्रवीण चौधरी जी, बाबूराम टाया जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद कैथल करमवीर जी, हमारे वाइस चेयरमैन जिला परिषद करनाल धीरज खरकाली जी, रामपाल डावल जी, राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र आर्य जी, राम प्रकाश सांगवान जी, ऋषिपाल मथाना जी, गुरनाम सैनी जी प्रधान सैनी सभा कुरुक्षेत्र, मंच पर विराजमान समाज के सभी नेतागण, आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज जगद्गुरु गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज इस भवन के शिलान्यास के अवसर के ऊपर मुझे आने का अवसर मिला है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर मातृशक्ति बैठी है, सभी महानुभाव बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी खड़े हैं, पत्रकार छायाकार मित्र भी हैं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। जब मैं यहाँ पर सांसद के रूप में कार्य देख रहा था, मुझे बराबर गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज की जन्मस्थली के ऊपर जाने का अवसर मिलता रहा है। ऐसा तपस्वी जिनका जीवन हमारे सामने है और ऐसे महान व्यक्तित्व जो समाज को एक दिशा दे करके गए हैं, ये ऐसे महान व्यक्ति हैं, एक समाज के नहीं सर्व समाज के होते हैं, जो समाज में फैली हुई कुरीतियों को और समाज को एक दिशा देने का जिन्होंने अपने आप को तपाया, वो तपस्या की, उस तपस्या का परिणाम है कि हमें एक रास्ता दे करके गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज गए हैं। मैं आज उनको सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं दिल से। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं उस के नाम से एक भवन का शिलान्यास हो रहा है, आज आप लोगों के बीच में आया हूं। भाइयों, सरकार लगातार काम भी कर रही है और लगातार विकास की एक गति भी बनाए हुए हैं। जो गुरु जी के प्रवचन, गुरु जी की बातें, वो आज भी हमारे सामने हैं और ये सरकार उनके प्रवचनों, उनके दिखाए हुए रास्तों के ऊपर चलने का निरंतर प्रयास कर रही है। जो उन महापुरुषों ने रास्ते दिखाए हैं, उन रास्तों के और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।